फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कराने जा रही हाँ जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि तुहानू ईटीटी भर्ती परीक्षा विच पूछे जा सकते हैं। इन्हां नू तुसी जरूर कर लियो। जेकर तुसी मेरे चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर दियो। चलो असी स्टार्ट करते हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसे डैम की कंध नी जां आधार ते ज़्यादा चौड़ी होंदी है क्योंकि ऑप्शन ए दबाव नू सहन कर सकती है, ऑप्शन बी घट दबाव नू सहन कर सकती है, ऑप्शन सी ज़्यादा दबाव नू सहन कर सकती है, अते ऑप्शन डी तेज़ गति नू सहन कर सकती है। इसका राइट आंसर होवेगा जी ऑप्शन ए, दबाव नू सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम किसते संकल्पना दिंदा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन का पहला गति नियम किसकी संकल्पना दिंदा है? ऑप्शन ए जड़ दी, ऑप्शन बी गति दी, ऑप्शन सी ऊष्मा दी, अते ऑप्शन डी ऊर्जा दी। इसका राइट आंसर होवेगा जी ऑप्शन ए जड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फुहारा निम्नलिखित विचों किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत पे, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पे, ऑप्शन सी न्यूटन दे सिद्धांत पे, ऑप्शन डी हैग्रो दे सिद्धांत पे। इसका राइट आंसर होवेगा जी ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एनोमीटर निम्नलिखित विचों की मापन दे काम आउंदा है? ऑप्शन ए गति दे वेग नू, ऑप्शन बी ऊष्मा दे वेग नू, ऑप्शन सी हवा दे वेग नू, ऑप्शन डी ऊर्जा दे वेग नू। इसका राइट ऑप्शन होवेगा जी ऑप्शन सी हवा दे वेग नू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाल पेन निम्नलिखित विचों किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए सतह तनाव सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी बाहरी तनाव, ऑप्शन सी आंतरिक तनाव, ऑप्शन डी रगड़। इसका राइट ऑप्शन होवेगा जी ऑप्शन ए सतह तनाव सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, पानी विचों कढ़न तो बाद शेविंग ब्रश के वाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण की है? ऑप्शन ए आंतरिक तनाव, ऑप्शन बी सतह तनाव, सतह तनाव नूं असी इंग्लिश विच सरफेस टेंशन भी कहते हाँ, ऑप्शन सी रगड़, ऑप्शन डी बाहरी तनाव। इसका राइट आंसर की होवेगा जी? इसका राइट आंसर होवेगा बी सतह तनाव सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7, आसमानी बिजली किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जो आसमानी बिजली है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बिजली विसर्जन, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी शक्ति दे वेग नाल। इसका राइट आंसर होवेगा जी ऑप्शन ए बिजली विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जहाज खड़े लूप विच किसते कारण हवाई करतब विखा सकता है? ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल दे बल दे कारण, ऑप्शन बी ऊष्मा वेग दे कारण, ऑप्शन सी रगड़ बल दे कारण, ऑप्शन डी बिजली बल दे कारण। जहाज खड़े लूप विच किसते कारण हवाई करतब विखा सकता है? इसका राइट आंसर होवेगा जी ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल दे कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट की गति ते किहड़ा संरक्षण सिद्धांत लागू होंदा है? ऑप्शन ए संवेग दा, ऑप्शन बी वेग दा, ऑप्शन सी गति दा, ऑप्शन डी अभिकेंद्र दा।
रॉकेट की गति से किहड़ा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए संवेगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सब तो पहला ग्रह की गति का नियम किसने दिता सी? ऑप्शन ए डेविड थॉमसन ने, ऑप्शन बी जॉस कैपलर, ऑप्शन सी हाकिंस, ऑप्शन डी जॉनसन। इन्हां विचों सब तो पहला ग्रह की गति का नियम किसने दिता सी? इसका राइट ऑप्शन होगा जी ऑप्शन बी जॉन्स कैपलर ने। थैंक यू। जेकर तुहानू मेरी वीडियो चंगी लगी होवे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भुल्यो। तो जेकर तुहानू इस क्वेश्चन नाल रिलेटिड कोई भी मैनू प्रश्न पूछने हन तो तुसी मेरे कमेंट विच पूछ सकते हो।